हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे। बच्चों, चैप्टर जो हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर चुके हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, क्यों उसका इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम उनके क्वेश्चन जो उसके बेस पे आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब एक नया टॉपिक इसी चैप्टर में हम करेंगे आज। तो हम क्या करने वाले हैं कि कुछ रूल्स होते हैं पावर्स के, ना कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उनको आज हम पढ़ेंगे ताकि हमारे जो कैलकुलेशन है पावर्स को लेके थोड़ी ही ईजी हो सके। और कैलकुलेशन को आसान कैसे बना सकते हैं, उन नियमों को हम फॉलो करके, उन रूल्स को फॉलो करके। तो आज हम उन रूल्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों, जो टॉपिक है आपका आज वो है घातांकों के नियम। कुछ नियम होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो क्या होता है, देखिए, एक ही आधार। आधार आपको पता है क्या होता है, बेस जिसको हम बोलते हैं, एक ही आधार। वाली घातों का गुणन, मतलब एक ही आधार क्या हुआ, सेम बेस, है ना। तो जिनका सेम बेस होता है उनको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये यहां पे जानेंगे। तो देखिए, जैसे यहां पे ए है, ये आधार हो गया, एम है, ये क्या हो गई, घात हो गई, और ये इसकी एक ही यहां पे घात हो गई n। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आधार इनका सेम है, एक ही है। आधार क्या है, दोनों का a है, लेकिन यहां पे घात अलग अलग हैं, एक पे m है एक पे n है। इनको आपको गुणा करना है, इनका गुणन करना है। तो कैसे आप करेंगे, इसी का फॉर्मूला होता है कि a यहां पे इसका जो आधार है एक बारी लिख दिया, और जो इसकी घात है उनको आप ऐड करके लिख देंगे, उनको जोड़ के आप लिखेंगे। ये होता है इसका रूल, रूल नंबर वन, ठीक है। देखिए यहां पे क्या चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, एक बारी ध्यान से देखेंगे। जैसे पांच के ऊपर पावर है सात, इंटू पांच के ऊपर पावर है दो। अगर कोई बोलता है इसका मान निकालो, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आप सिर्फ सीधा इस पे कर देंगे पांच के ऊपर सात प्लस दो, ठीक है, पांच के ऊपर पावर नौ डायरेक्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं करना कि आपको पहले इसको वैल्यू लिखनी है, फिर इसकी वैल्यू लिखनी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसकी पावर लिखेंगे अलग से, नहीं, आप डायरेक्टली इसको पांच की पावर नौ लिख सकते हैं। तो यही है जो रूल यहाँ पे काम आया है कि अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो आप घातों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुना उनको करना है तो। इसको नोट डाउन कर लो, ये एक जरूरी नियम होने वाला आपके लिए। बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, गुणन कर रहे थे, ठीक है।
अगर मैं बोलूं कि यहां पे आपको इनका विभाजन करना है, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं एक ही आधार ही आधार वाली घातों का विभाजन। कैसे करेंगे आप? तो इसका भी एक नियम होता है, और वो नियम क्या कहता है, देखिए पुराने वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले लिया था हमने, बस यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है, दोनों को हमने भाग कर दिया है। तो क्या आप लिख सकते हैं इसकी जगह, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए, और जो ये पावर है, घात है इनकी, इनको माइनस कर देंगे यहाँ पे। अगर उनका गुणन करना है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर का योग हो जाता है, अगर भाग करना है तो पावर माइनस हो जाती है, घटा कर देते हैं पावर को, ठीक है। जैसे अगर आपके पास आता है कि भाई ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो इसको आप लिख देंगे ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 5 की पावर 7 है, भाग करते हैं 5 की पावर 2 से, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 7 माइनस 2, और ये आ जाएगा 5 की पावर 5। इसको भी नोट डाउन कर लो। ये क्लियर है बच्चों? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए जो अगला नियम आता है वो है एक घात लेना, यानी पावर ऑफ पावर। क्या चीज हुआ ये? यहां पे अगर हमारे पास कोई ए की पावर एम है, ठीक है, अगर हमें इसकी भी पावर लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं इसकी पावर एन? इसको सॉल्व करो, मतलब ये एम घात तो है ही, इसकी भी घात ले ली हमने एन, तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं सॉल्व करके? इसको सिंपली आप लिख देंगे ए की पावर एम इंटू एन, तो कितने ही घात की घात ले लो वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे आपस में, ठीक है। तो एक ये है रूल, जैसे एग्जाम्पल इसका करते हैं 3 की घात 2 है, और इसकी भी घात अगर 4 ले ली, तो कोई आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, 3 की घात 2 × 4 आप कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 की घात 8, बस सिंपल है। अगर आपका नोट डाउन हो जाता है तो अपना हैंड रेज करके बता दें ताकि अगला नियम हम कर सकें, अपना हाथ खड़ा कर दें अगर नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने, वेरी गुड। जैसी बचवा बान ने नोट डाउन कर लिया है, बाकी बच्चे भी कर ले, अपना हाथ नीचे कर लीजिए बच्चों, और जिनका बचा है वो भी नोट डाउन कर लो इसको। अब एक नियम ये है भाई, समान घातांकों वाली घातों का गुणन। ये क्या चीज हुई? इससे पहले हमने किया था कि भाई समान आधार वाली घातों का गुणन, ठीक है, अब हम कर रहे हैं समान घातांकों वाली, मतलब जिनका एक ही आधार होता था उनका गुणन करके, तो देख लिया क्या नियम लगते थे। अब अगर इनके घातांक समान हो तो कैसे गुणन हम करेंगे, ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पे
अगर हमारे पास है a के ऊपर घात m इंटू b के ऊपर घात m, यहाँ पे आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं a इंटू b और इसके ऊपर घात m, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा एक के ऊपर घात m लगा सकते हो पूरे के ऊपर, या फिर इसको लिख सकते हो a b की घात m, ये भी एक ही बात है। बच्चों जो ये हम नियम कर रहे हैं, अगली आपकी प्रश्नावली इन्हीं नियमों पे के बेस पे आएगी, तो अच्छे से इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो और ये नियम आपको सारे याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। अब एक रूल आता है, पिछले वाले नियम में हमने गुणन किया था समान घातांकों वाली घातों का, अब हम क्या कर रहे हैं इनसे विभाजन कर रहे हैं। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी पावर सेम रहेंगी, ठीक है, पावर सेम रहेंगी, a की घात m डिवाइडेड बाय b की घात m, लेकिन बेस अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं भाई कि a डिवाइडेड बाय b और इस पूरे की घात m, या फिर a बटे b की घात m, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया, 5 के ऊपर घात 2 है, भाग करना है 4 के ऊपर घात 2 से, तो क्या कर सकते हैं 5 बटे 4 और इसकी पूरे की घात हो गई 2। यहां पे एक नियम और है, ये नियम है शून्य घातांक वाली संख्याएं, शून्य घातांक वाली संख्याएं क्या होंगी। तो ये देखिए, अगर हमारे पास किसी भी कोई भी घातांक है जिसकी पावर जीरो है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, क्या होगी, एक होगी इसकी वैल्यू। एग्जांपल जैसे 5 है, ठीक है, इसके ऊपर घात जीरो होगी तो इसको हम वन लिख देंगे, ठीक है, सिंपल है। अगर मैं बोलूं 3 के ऊपर घात 5 है डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर घात 5 है, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर, चैट के माध्यम से बता सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं, कौन कर सकता है, अभी जो हमने नियम किए थे इन्हीं का यूज करके इसका आंसर आपको निकालना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा आप अपना हैंड रेज करके बताएंगे बच्चों आंसर। जीआईसी कांडा, बच्चों किसका आंसर आया है बताइए, क्या आंसर आया आपका, माइक लेके अपना आंसर बताएं आप। हाँ शाबाश, बोलिए बेटा क्या आंसर आया। वन, वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम आपका? सर भगवान सिंह माजला। वेरी गुड बेटा, बहुत सही, इसका आंसर वन आएगा, अभी हमने सीखा यहाँ पे, बैठ जाए बेटा, इसका आंसर वन आएगा, अभी हमने सीखा ये वाला रूल और एक और रूल हमने सीखा, एक और नियम सीखा था ये नियम, इन दोनों नियमों को मिला के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और वो है वन। कैसे निकाला इन्होंने वन, देखिए सब लोग अब साथ में करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 के ऊपर घात कितनी है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं,
इनकी घात हमें माइनस कर देनी है। बेस अगर सेम हो अलग हो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने 3 के ऊपर घात 5 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर घात 5 है, तो यहाँ पे आपको इनको माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप माइनस करेंगे घात, देखिए कितना आ जाएगा, 3 के ऊपर पावर 0 आ जाएगा, और 3 की पावर 0 मतलब आंसर 1 आएगा आपका। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अब हम करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके कि क्या आप जो हमने यहाँ पे किए हैं नियम उनको समझ पाए हैं। तो यहाँ पे आपको करना है, सरल कीजिए, और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो आपको इनको सॉल्व करना है और उत्तर को घातांक के रूप में आप लिखेंगे। इसका पहला पार्ट करेंगे आप 3 के ऊपर घात 7 बटे 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 5। देखिए ये हमारे पास क्या नियम होगा, देखिए बेस सेम है इनके, आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका विभाजन हो रहा है, इनका विभाजन हो रहा है, इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे, पावर माइनस हो जाएंगी, 3 के ऊपर घात 7 माइनस 2 पावर को हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद 3 की पावर 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के ऊपर घात 7 माइनस 2 5 आ गया, इंटू 3 की घात 5। अब यहाँ पे आधार सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3 के ऊपर घात 5 प्लस 5 ये आ गए 3 के ऊपर घात 10। यही हमें बताना था, इसको नोट डाउन कर लें। कुछ और क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं जो इन रूल के बेस पे होंगे, एक्सरसाइज 13.2 से। तो बच्चों जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, इतने सारे हमने नियम किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनके नोट्स बनाए होंगे। अब आपको क्या करना है, घर पे जाके दोबारा से इन नियमों को लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में, इन पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो अपने आप आपको ये नियम याद भी हो जाएंगे। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम इनके आधार पे करेंगे, अगले सेशन में क्वेश्चंस ही होंगे। तो तब तक के लिए हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।